गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब समय हो रहा है सुबह का 5:30 और हम निकलने वाले हैं और हम जाने वाले हैं बाहर। आप सब वीडियो में तक कंटिन्यू रही है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जा रहे हैं अभी। देखिए, हम पहुँच गए हैं और अब टिकट काटने के लिए रुके थे, अभी आ रहे हैं। और इधर देखिए, पूरा धुंधला धुंधला दिख रही है। इधर बैठे हैं कि आगे जाएंगे? आगे। अभी ट्रेन खाली खाली है ना। आगे जाते जाते पूरा भीड़ हो जाएगा। इधर कुछ पेपर भूल गए जो बन जाएगा। हम लोग को सीट मिल गया है और अभी गाड़ी छोड़ने वाला है। कहाँ जा रहे हैं? फ्रेंड्स, बहुत देर हुआ, ट्रेन बीच रास्ते में रुकी हुई है, 1 घंटा से ज़्यादा हुआ यहीं पर रुकी हुई है। यहीं से तो बहुत लोग उतर गए, उतर के चली भी गए। हमें स्टेशन जाना है तो हम लोग इसी ट्रेन से स्टेशन जाएंगे। देर होगा, कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, वरना हम लोग भी चले जाते। अभी और एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग घूम के आ चुके हैं और अभी हम खड़े हुए हैं कटक स्टेशन के जस्ट फ्रंट में, और कुछ देर के बाद हम लोग स्टेशन के अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कटक स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू बनाई गई है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कटक सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ प्लेस है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हम अगर कटक स्टेशन से जस्ट लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर पार्किंग एरिया है, यहाँ पर बाइक सब रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कटक स्टेशन के पास में ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है।
कहाँ रुका है? स्टेशन में नहीं रुका है, बीच में रुके हैं। आज भी बहुत बैठ हो जाएगा शायद, पहले से तो डेढ़ घंटा बैठता फिर अभी लगता है। घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगा। आधा काम खत्म हुआ होगा, सुबह शाम था ना। पास में खड़ा रहता तो पैदल जा सकते थे, नहीं ना तो नहीं रहते जाने का। आज बहुत लेट हो गया, 3:30 को पहुंचने वाला था लेकिन अब समय हो रहा है 3:30।